नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग के अभी तक खेले जा चुके हैं 11 मुकाबले और अब होने वाला है एक जबरदस्त मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में। वेल, आपको बता दें कि जब इस लीग की शुरुआत हुई थी, जो पहला मुकाबला हुआ था इस लीग का, वो भी मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने भैया शानदार जीत दर्ज करते हुए इस लीग की शुरुआत की थी और एक बार फिर से ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होने वाली है। वेल, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही है और दूसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स। वेल दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में ये जो मुकाबला है, 12th मैच जो है वो खेला जाएगा 14 मार्च को शाम 7:30 बजे ब्रिबोन स्टेडियम में। ब्रिबोन स्टेडियम के पिच की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 5, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने। हाईएस्ट स्कोर यहां बनाया है 223 का दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 विकेट खोकर, तो वही लोएस्ट स्कोर रहा है 138 का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिच पर देखा, यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए ये पिच फायदेमंद साबित हो सकती है, हालांकि यहां पर फर्स्ट बैटिंग करना भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों बात की जाए हेड टू हेड कंपैरिजन की, क्योंकि दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन है जिसमें मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में एक मुकाबला खेला गया है, शुरुआती मुकाबला वो था और यहां पर मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की थी। तो यहां पर एक ही मुकाबला हुआ है जिसे मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था। अब बात की जाए 12th मैच की, तो यहां पर कौन सी टीम इस मुकाबले में करेगी जीत दर्ज, क्या गुजरात जायंट्स यहां पर मुंबई इंडियंस को हराने में कामयाब होगी या फिर मुंबई इंडियंस एक बार फिर से गुजरात जायंट्स को धूल चटाएगी। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पर। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल रहेंगी वो होंगी यास्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज, नेट सीवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, धारा गुजर, एमिलिया कैर, इजी वॉन्ग, अमनजोत कौर, हुमायरा काजी, जिंतीमानी कलिता और साइका इशाक। तो दोस्तों, ये 11 खिलाड़ी होंगे जो कि एक बार फिर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ फिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स की, आखिर भैया मुंबई इंडियंस की जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम इस सीजन हमको देखने को मिल रही है, इनके कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कि टीम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद अभी तक साबित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, यानी कि कौन से वो बल्लेबाज होंगे, कौन से वो गेंदबाज होंगे जो कि अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स पर। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमने सबसे पहला नाम शामिल किया है नेट सीवर ब्रंट का, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 146 रन बनाए हैं। अगला नाम है हरमनप्रीत कौर का, जो कि टीम की कप्तान है और हरमनप्रीत कौर ने यहां पर 129 रन बनाए हैं 4 मैचेस खेलते हुए। यास्तिका भाटिया की अगर बात करें तो 107 रन उन्होंने बनाए हैं 4 मुकाबलों में। अब बात की जाए अगर दोस्तों गेंदबाजी की, ऑलराउंडर खिलाड़ी की, तो यहां पर हेली मैथ्यूज का नाम हम शामिल करेंगे, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 7 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं उन्होंने 168 रन भी अपने बल्ले से निकाले हैं, यानी कि वो यहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई हैं। इनके बाद है साइका इशाक, जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट अपने नाम किए हैं। आखिरी नाम हमने शामिल किया है अमेलिया कैर का, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 6 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई मुंबई इंडियंस की टीम की, लेकिन बात की जाए गुजरात जायंट्स की, क्योंकि यहाँ पर गुजरात जायंट्स की टीम जो है अभी तक मुंबई इंडियंस से मुकाबला नहीं जीत पाई है, एक मुकाबला अभी तक खेला गया था। अब क्या ये जो मुकाबला है यहाँ पर मात देने में कामयाब होगी गुजरात की टीम मुंबई को, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो क्या यहाँ पर गुजरात की टीम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर वही 11 खिलाड़ी एक बार फिर से नजर आएंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए? तो चलिए नजर डालते हैं गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 पर, जिसमें शामिल रहेंगी सबिनेनी मेघना, लॉरा वुलवॉट, हरलीन दियोल, एशले गार्टनर, जॉर्जिया वैरम, सुषमा वर्मा, दयालन हेमलता, स्नेह राणा, किम गर्थ, मानसी जोशी और तनुजा कन्वर। वैसे तो दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है मुंबई के मुकाबले वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि भैया मुंबई की टीम्स के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर किन खिलाड़ियों को हमने शामिल किया है की प्लेयर्स की लिस्ट में, ये भी आपको बताते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि 12th मैच में मुंबई की टीम के खिलाफ भैया तगड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ सबसे पहला नाम हमने शामिल किया है हरलीन दियोल का, जिन्होंने 4 मैचेस में 133 रन बनाए हैं। हरलीन के बाद हमने शामिल किया किम गर्थ को, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 32 रन की पारी खेली थी। वेल, आपको बता दें कि बल्लेबाजी के साथ साथ किम गर्थ जो है गेंदबाजी में भी माहिर हैं और यहां पर उन्होंने 3 मैचेस खेलते हुए 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों गेंदबाजों की लिस्ट में हमने एशले गार्डनर को भी शामिल किया है, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 4 विकेट अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम हमने शामिल किया है मानसी जोशी का, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ 1 विकेट अपने नाम किया था। तो दोस्तों, ये हो गए गुजरात जायंट्स के
की प्लेयर्स। लेकिन दोस्तों बात की जाए इस मैच के कंक्लूजन की कि आखिर ये जो मैच होने वाला है वुमेन्स प्रीमियर लीग का कौन सी टीम होगी जो कि इसमें जीत दर्ज करेगी। तो दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है एक बार फिर से गुजरात जायंट्स की टीम को मात देने में पूरी तरह से कामयाब होगी। लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, क्या वो मुंबई इंडियंस है या फिर है गुजरात जायंट्स? अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल दोस्तों जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये जो 12th मैच होने वाला है गुजरात के खिलाफ, तो यहाँ पर कौन सी वो खिलाड़ी होंगी जो कि हाईएस्ट रन स्कोर करती दिखाई देंगी, यानी कि इस मैच की हाईएस्ट रन स्कोरर कौन सी खिलाड़ी होंगी, इसका जवाब भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों वेल वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत इसी साल से हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग को देखते हुए, क्योंकि अब आईपीएल की भी शुरुआत होने वाली है, तो आपकी जो राय है आपके जो थॉट्स है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम भी जान सके कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए आखिर लोगों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सो टेक केयर एंड बाय बाय।